हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकतमयं ददाति सुप्तांतिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुभासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णव सज्जनों, कृष्ण महिमा के साथ, क्योंकि मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया है कि मैं सदैव कृष्ण महिमा करता रहा हूं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब कहां समाप्त हो जाए, कोई कह नहीं सकता। कोई कह नहीं सकता। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों सज्जनों, जीवन मिलता तो सदियों में है, लेकिन एक ठोकर से समाप्त हो जाता है। और आजकल तो यूं कहूं कि कोरोना समाप्त कर देता है। इसलिए गोविंद गुण गाओ, गोविंद की महिमा करो, मेरे ठाकुर की महिमा करो, मेरे ठाकुर के गुण गाओ, मेरे ठाकुर की बातें करो, मेरे ठाकुर की महिमा करो। बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, लेकिन करो, क्योंकि गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत की नहीं। ठाकुर की महिमा नहीं गाई तो जन्म व्यर्थ में चला गया। बार 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 कृष्ण महिमा करो, बार बार कृष्ण महिमा करो, बार बार वही रिपीट करो, वही रिपीट करो, वही रिपीट करो। और जब आप भजन करते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तभी तो आपको खुशी से उछल जाना चाहिए कि कृष्ण ने स्वयं अपना नाम आपको दिया। क्योंकि उसका सैंक्शन ना हो तो उसका नाम किसको कैसे मिल सकता है। कृष्ण ने खुद अपना नाम सैंक्शन किया।
मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णवों, हम सब भाग्यवान है। इस समय मुझे सैंक्शन किया है कि मैं आपके सामने कुछ श्लोक पढ़ रहा हूँ, कुछ उनकी गुण गा रहा हूँ, कुछ उनकी बातें कर रहा हूँ। ये मुझे सैंक्शन किया। और आपको सैंक्शन किया है कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी बातें गा रहे हैं, उनका नाम गा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माता बहनों मित्रों, आप खुश हो जाया करो कि कृष्णा ने मुझे नाम दिया, अपना नाम दिया, अपने नाम जपने की सैंक्शन दी मुझे। मैं खुद इस समय बहुत प्रसन्न हो रहा हूं कि मुझे ये पढ़ने का सैंक्शन दिया। पता नहीं लोग कोई समाचार पढ़ते हैं, कोई खबरें पढ़ते हैं, कोई न्यूज पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ते हैं, कोई तो किसी के पीछे पढ़ते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर ने मुझे गीता पढ़ने को सैंक्शन दिया। मेरी माता बहनों मित्रों, ये जिंदगी बड़ी बेवफा है, कब समाप्त हो जाए कोई जानता नहीं है। और जब समाप्त हो जाती है ना, तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। मैं तो बहुत प्रसन्न होता हूं कि मेरे ठाकुर ने मेरे हाथ में भगवत गीता पकड़ा दी है। मैं बहुत प्रसन्न होता हूं कि मेरे ठाकुर ने अपना नाम मेरी जीभ में रखा है। अब ये कौन सी कृपा है और किसकी कृपा है, ये तो वही जान सकता है, क्योंकि अधम जीव के ऊपर कृपा करना उनका काम है, इसलिए वो अधम उदाहरण है। और मुझसे अधम भला कौन हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवत गीता हाथ में पकड़ा दी है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकिक महेश्वरम। कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वलोक, जितने लोक है, 14 लोक है, उन सब का माहेश्वर हूं। ये मेरा वृंदावन ईश्वर है ना, वो सबका महाईश्वर है। ये मेरा वृंदावन ईश्वर सबका महाईश्वर है। और वही सब ब्रह्मांड को चला रहा है। आप सोचो तो सही, सूरज अपनी जगह से हिलता नहीं है, चांद अपनी जगह से हिलता नहीं, 1 इंच इधर उधर नहीं होते, घूमते रहते हैं। सितारे, ये सब कुछ अपनी अपनी जगह पर है, आकाश अपनी जगह है। अगर ये थोड़ा बहुत हिल जाए तो पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। और उस चांद सितारों के मालिक ने हमें अपना नाम दिया है। सूरज, आकाश, बादल, वायु, अग्नि, उसके स्वामी ने हमें अपना नाम दिया है, कृष्ण। इससे ज्यादा हमारे सौभाग्य क्या हो सकते हैं, जरा सोचो। इससे ज्यादा हम क्या भाग्यशाली हो सकते हैं, सोचो। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम
सर्वलौकिक महेश्वरम। आगे जाके कृष्ण कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितेशी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण रूप पुरुष भौतिक दुखों से शांति का लाभ करता है। हर और अशांति, हर और अशांति, हर और पीड़ा, हर और तकलीफ। आज वो मर रहा है, आज वो बीमार हो गया, आज उसका एक्सीडेंट हो गया, आज उसको हार्ट अटैक हो गया, क्या सुनाई दे रहा है। ऐसे में कृष्ण कहते हैं उसको मैं शांति देता हूं, जो मुझे समस्त देवताओं का स्वामी समझता है, समस्त यज्ञों का भोक्ता समझता है। भगवद गीता पांचवा अध्याय उनतीसवां श्लोक। तो आप सब तो भाग्यशाली हो ना, उस परम ईश्वर की शरण में हो। मैं रोज क्या बताऊं, मेरे पास कुछ नया बताने का नहीं है, बस एक ही मेरे पास है, कृष्ण 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 और कृष्ण बस। और उसके सिवा मुझे कुछ दिखता भी तो नहीं है, कुछ है भी तो नहीं। सबको चलाने वाला वो है, सबको खिलाने वाला वो है, सबको पिलाने वाला वो है, सबको सुलाने वाला वो है, सबको जगाने वाला वो है, सबको हिलाने वाला वो है, सबको डुलाने वाला वो है। वही तो सबके हृदय में बैठा है। मुझे तो लगता है बस इतना कृष्ण के लिए बोलना इनफ काफी है। ये जो नंद बाबा का बेटा है ना, ये सबका बाप है। नंद बाबा का बेटा सबका बाप। बस उसी की महिमा गाते रहो, उसी की महिमा करते रहो, उसी की महिमा सुनते रहो। उसी के गुण गाते रहो, उसी की महिमा करते रहो। बस इतना करते रहोगे ना, जन्म सफल हो जाएगा। और कुछ नहीं करने की ज्यादा जरूरत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना भी करते रहोगे तो बहुत हो गया। बहुत हो गया। मेरी माता बहनों मित्रों, यहाँ कृष्ण कहते हैं मैं सबका हितेशी हूँ, मैं सबका भला करने वाला हूँ। और कृष्ण ने देखो हमारा कितना बड़ा भला किया है कि हमें अपना नाम दे दिया, अपनी कथा दे दी, अपना कीर्तन दे दिया। जिंदगी तो एक बुलबुले की तरह है, बुलबुले की तरह कब फट जाए पता नहीं चले। कब फट जाए पता ना चले। जिंदगी एक बुलबुले की तरह है और चाहने वाला चला जाएगा, पीछे सोच के भी नहीं जाएगा कि पीछे वालों का क्या बनेगा।
हम भी एक दिन चले जाएंगे, लेकिन कृष्ण हमें नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कृष्ण भजन करते रहो। मैं ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट ही बोलता हूं इन दिनों, आप जानते हैं, बस इतना काफी है कृष्ण के लिए। सुन लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण आप। मैं रोज यही बोलूंगा, मेरे पास नया सुनाने को कुछ नहीं है, मैं वही सुनाऊंगा जो 5,500 साल से चला आ रहा है और अरबों लोगों का भला किया है इस भगवद गीता ने और कृष्ण नाम ने, और वही कृष्ण नाम वही भगवद गीता में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। प्लीज सीरियसली सुनो, आपका भला हो जाएगा। भगवान आपकी रक्षा करें, आप सुखी और स्वस्थ रहो। उम्मीद करता हूं कमेंट्स लिखते रहोगे ताकि पता चले कि दरबार में आपकी हाजिरी लगी हुई है। कमेंट्स लिखते रहोगे तो पता चले कि दरबार में आपकी हाजिरी लगी हुई है। अवश्य कल हम फिर मिलेंगे इसी जगह पे हरी कथा के साथ। कृष्ण करे आप सब सुखी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।